हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं गार्नियर मेन फेस वॉश के बारे में। यहाँ पे तीन सबसे पॉपुलर फेस वॉश है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल क्लियर, टर्बो ब्राइट और एक्नोफाइट। ये हम सबको पता है कि किस किस काम आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर हम डेली बेसिस पे कोई फेस वॉश को यूज करना चाहते हैं और आपकी स्किन टाइप किस टाइप की है, उसके हिसाब से आप कौन सा फेस वॉश यूज कर सकते हैं अपने डेली पर्पज के लिए, जिससे आपकी स्किन भी साफ रहेगी और आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप मेन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और डेली बेसिस पे कोई फेस वॉश ट्राई करना चाहते हैं जिससे आपकी स्किन काफी फ्रेश रहे और काफी साफ रहे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिनसे आपको एक चीज के बारे में पता चलेगा कि चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या आपकी स्किन जेंटल हो या ड्राई हो, आपको कोई भी फेस वॉश उठा के नहीं लगाना चाहिए। जिस टाइप का आपका फेस वॉश है वही आपको लगाओगे, तब आपको भी एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फेस वॉश की बात करें तो ये जो फेस वॉश है ऑयल क्लियर है, और ऑयल क्लियर स्किन ज्यादातर जो सेंसिटिव लोगों के लिए होती है या आप कह सकते हैं ऑयली स्किन के लिए होती है, उनके लिए फेस वॉश होता है। तो अगर आपके फेस पे काफी पिंपल रहते हैं और डेली बेसिस पे काफी ज्यादा पसीना रहता है, जैसे कि अब समर भी आ गया और गर्मी में आपके फेस पे बहुत ज्यादा पसीना रहेगा, तो जिन लोगों की भी स्किन काफी ज्यादा ऑयली है और उन पे पिंपल रहते हैं, तो आप ये ऑयली स्किन वाला जरूर यूज कर सकते हैं ऑयल क्लियर। इससे क्या होता है, ये डीपली आपकी स्किन से ऑयल हटा देता है और आपके फेस को एक काफी ज्यादा फ्रेश फील देता है। तो आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा एक तरीके से डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्ले मिलता है और क्ले से आपकी स्किन की सारी गंदगी खत्म हो जाती है, जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील रखते हैं और डेली बेसिस पे आपकी स्किन काफी साफ रहती है और पूरा दिन आपका फेस काफी क्लियर रहता है। तो यहाँ पे आप गार्नियर मेन को ऑयल स्किन क्लियर जरूर यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पे यानी कि आपके फेस पे काफी ज्यादा ऑयल रहता है। तो यहाँ पे ये आता है 95 पीस का, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 50 ग्राम, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं अपने दोस्तों सबसे फेमस फेस वॉश के बारे में, जो कि ये टर्बो ब्राइट। इन तीनों में से ही टर्बो ब्राइट सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज होने वाला फेस वॉश है। आप जैसे कि देख सकते हो एंटी पॉल्यूशन डबल एक्शन फेस वॉश, यानी कि कोई भी बंदा अगर वो फील्ड का काम करता है या बाहर भी जाता है, तो लड़कों का ऐसा है कि अगर वो घर पे नहीं रहते हैं, अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी उनको बाहर जाना ही जाना है, तो दोस्तों ऐसे में उनके फेस पे काफी ज्यादा डर्ट आ जाता है पॉल्यूशन की वजह से, जो मिट्टी होती है उनके पोर्स में जम जाती है, जिससे क्या होता है उनका स्किन टेक्सचर काफी डार्क हो जाता है, और डे बाय डे में अगर वो सही से क्योर नहीं करते अपने फेस को, तो उनका स्किन टेक्सचर डार्क काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे उनकी फेस और उनकी स्किन अलग ही दिखती है। फेस काफी काला दिखता है लेकिन हाथ पैर काफी साफ दिखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर करती है इस फेस वॉश को। तो अगर आप डेली बेसिस पे कोई ऐसा फेस वॉश जाते हैं जिससे आपकी स्किन का सारा डिटेन हो जाए, सारी गंदगी निकल जाए, तो आप टर्बो ब्राइट फेस वॉश यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन काफी ब्राइट और काफी ठंडी रहेगी, जैसे कि हम देख सकते हैं उसके अंदर चारकोल और आईसी कॉम्प्लेक्स है, जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा ठंडी रहती है। तो अगर आपके फेस पे कोई पिंपल नहीं है, आपकी स्किन में ऑयली नहीं है, बस आप एक जनरल डेली फेस वॉश यूज करना चाहते हो, तो आप ये फेस वॉश यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन जेंटल है और नॉर्मल स्किन है, तो ये फेस वॉश आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड इसका भी प्राइस 110 रुपए के साथ ही आता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके अंदर आपको 50 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फेस वॉश है, और मार्केट में दोस्तों जो मैन का ग्रूमिंग है उसमें सबसे बेस्ट फेस वॉश गार्नियर के ही बताए जाते हैं, तो आप इनमें से यूज कर सकते हो ये वाला टर्बो ब्राइट अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा नॉर्मल और काफी जेंटल स्किन है। अब हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी फेस वॉश के बारे में, तो जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा ऑयली होती है, अब ऑयली स्किन के साथ मैंने आपको बता दिया कि ये फेस वॉश चलेगा, लेकिन दोस्तों जो एक्ने होते हैं वो ऑयली स्किन पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल स्किन या जेंटल स्किन पे देखने को नहीं मिलते हैं, उन पे भी आते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपको एक ऑयली इंसान के बंदे के फेस पे जो पिंपल है वो उसके कंपैरिजन में जेंटल और नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन में ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपके फेस पे पिंपल भी हैं तो ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंटी पिंपल फेस वॉश। इसके अंदर आपको सेलेनिक एक्टिव और हर्बल रिपेयर यानी कि ये सारे इंग्रीडियंट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपकी स्किन के पिंपल और एक्ने काफ़ी ईजिली तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके फेस पे एक्ने रहते हैं डेली बेसिस पे, तो ये फेस वॉश आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे ये आपकी स्किन के जम्प से लड़ने के लिए बनाया है, यानी कि जो पिंपल होते हैं, पिंपल कई रीजन से होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से, आपकी डाइट की वजह से, जो गर्मी आपके पेट में बनती है वही गर्मी आपके फेस के थ्रू निकलती है पिंपल के थ्रू। तो यहाँ पे वो जो फेस में जो पिंपल बन जाते हैं जिससे गंदगी आपके फेस पे होती है, ये फेस वॉश उनसे काफी अच्छे से डील करता है और आपके फेस वॉश में पिंपल आने ही नहीं देता है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है जिसे आप ट्राई करके अपनी स्किन की एक्ने और पिंपल को खत्म कर सकते हैं। वही सेम चीज प्राइसिंग की बात करें 110 रुपए की एमआरपी के साथ ये देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 50 ml देखने को मिलता है। तो ये वो तीन मैन के लिए बेस्ट फेस वॉश इस समर में, अगर आपकी स्किन टाइप
ऑयली है, जेंटल है या ड्राई है, तो आप कौन सा फेस वॉश ट्राई करेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से आप इन तीनों में से चूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा फेस वॉश इस वीडियो में ट्राई करना है अपने लिए। ये सारी डेली बेसिस फेस वॉश हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, ठंड में, तो आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इनमें से आपने कोई चूज़ करा है तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि उसका रिजल्ट आपको कैसा देखने को मिला है। और अगर दोस्तों आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे कंटेंट लाने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ में।